और हमारी इस यात्रा में हम जानकी माता के मंदिर सीतामढ़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पर पंथपाकर गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ जो वटवृक्ष आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, मान्यता है कि ये वटवृक्ष त्रेता युग से यहाँ पर हैं। और इन्हीं वटवृक्ष में जब बारात जनकपुर से अयोध्या की ओर लौट रही थी, तब प्रभु राम और माता सीता ने यहाँ आराम किया था। और सुबह उठकर जब माता सीता ने कुल्ला किया तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड की स्थापना तब हुई। इस कुंड में 12 महीने पानी रहता है और इस कुंड के प्रति लोगों की अथाह आस्था है। ये एक ऐसी कथा है जिसके पग पग पर भौतिक निशान मिलते हैं। ये एक ऐसी आस्था है जिसके हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और श्रीलंका तक निशान मिलते हैं। ऐसे निशान जिन्हें रामायण सर्किट से जोड़ा गया और जिस निशान पर आस्था अडिग मिलती है। अगर कोई हिंदू धर्म को मानता है तो उसके लिए रामायण को लेकर किसी शक या सवाल की गुंजाइश नहीं है। ये कैसी लीला है जो जितनी पुराणों में मिलती है उतनी ही जमीन पर मिलती है। अयोध्या से लेकर बिहार के सीतामढ़ी तक और बिहार के सीतामढ़ी से लेकर नेपाल के जनकपुर तक ये लीला फैली हुई है। तो आखिर कैसे रामचरितमानस पुराणों से निकलकर जमीन पर आया, आज हम इसकी ही पड़ताल करेंगे। हम इस क्षेत्र के वासी, त्रिभुक्ति क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र के वासी, ये मानते हैं कि हम जानकी से राम को जानते हैं। राम से हमारी जानकी की हमारा पहचान नहीं है, हम जानकी से राम को जानते हैं और जानकी को पुत्रवती पुत्री मानते हैं, बहन मानते हैं। तो इसलिए ये जानकी मंदिर है और यहाँ राम के स्तुति से पहले जानकी की स्तुति होती है। यह रामायण में सब जितना तीर्थ धाम है ना, सब तीर्थ का नाम रामायण में निचोड़ लिखा हुआ। पुनौरा वैठम से 1 किलोमीटर दूर पुनौरा में पुंड ऋषि आश्रम, महात्मा का आश्रम रहते हैं। यह सरकार ने, भारत सरकार ने मंदिर बना दिया है शानदार।